हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल के अपडेट में। तो अभी रिसेंटली बात चल रही है यूनिवर्सिटी की तरफ से कि ऑनलाइन एग्जाम्स के बारे में क्या होगा। ठीक है, अभी नागपुर यूनिवर्सिटी ने पब्लिश कर दिया है कि उनकी जो एग्जाम्स होने वाली है, ठीक है, तो वो ऑनलाइन तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी उनकी विंटर की जो एग्ज़ाम्स रहेंगी वो ऑनलाइन तरीके से कंडक्ट करने वाला है। ठीक है, तो अभी एग्ज़ाम का क्या लेवल रहेगा उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अभी नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी तक कुछ नोटिफिकेशन नहीं आया है कि उनकी एग्ज़ाम किस पैटर्न में होने वाले हैं। ठीक है, बट अभी एग्ज़ाम किस तरीके से लेना है, वो ऑफलाइन लेना है कि ऑनलाइन लेना है, पूरी की पूरी अथॉरिटी अभी यूनिवर्सिटी के पास है। ठीक है, गवर्नमेंट का इसमें अभी कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। जो भी जिस भी तरीके से यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लेना चाहती है तो एग्ज़ाम ले सकती है। ठीक है, बट मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ है कि वो एग्ज़ाम ऑनलाइन तरीके से ही कंडक्ट कर सके, क्योंकि अभी ऑफलाइन तरीके से अगर एग्ज़ाम लेने के लिए जाते हैं तो नंबर ऑफ टाइम देना पड़ता है, एक पर्टिकुलर प्रोसेस को ऑनलाइन ऑफलाइन एग्ज़ाम के लिए फॉलो करना होता है। ठीक है, उतना टाइम है नहीं और स्टूडेंट्स भी बहुत सारे स्टूडेंट्स की मेंटेलिटी भी नहीं है कि वो ऑफलाइन एग्ज़ाम को दे सके। ठीक है, तो ऑनलाइन ही एग्ज़ाम एक बेटर ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी के भी एग्ज़ाम ऑनलाइन तरीके से हो। ठीक है, अब लेवल क्या रहेगा ऑनलाइन एग्ज़ाम में। ठीक है, अभी नागपुर यूनिवर्सिटी की जो एग्ज़ाम हुई थी लास्ट 2 या 3 महीने के पहले, तो आपको सभी को पता है कि किस लेवल की एग्ज़ाम थी। ठीक है, उसके ऊपर अभी रिसेंटली 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उदय सामंत जी के। ठीक है, तो उन्होंने एक पत्रकार परिषद में कुछ लोगों ने सवाल उठाए थे कि जो एग्ज़ाम जो हुई थी, ठीक है, उसका कुछ ना लेवल था ना कुछ उसका एक पर्टिकुलर, मतलब चीटिंग का जो मैटर था वो बहुत हद तक हुआ था। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हाईएस्ट स्कोर्स आए थे। ठीक है, इस बात के ऊपर इस बार भी ध्यान देने वाले हैं ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, पिछले बार जो था प्रोटेक्टिंग जो मोड रहता है, मतलब अगर आप एग्ज़ाम देते हो 2-3 बार हिलते हैं तो आपका एग्ज़ाम लॉक हो जाता है। ठीक है, बट लास्ट टाइम ऐसा नहीं हुआ था। ठीक है, अभी इस टाइम ये सब होने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज बनते हैं। ठीक है, कि आपका प्रोटेक्टिंग जो मोड होता है ऑन रह सकता है इस बार। ठीक है, इस बार ऑनलाइन तरीके से जो एग्ज़ाम होगी उसके ऊपर स्पेशली ध्यान देने के बाद की जा रही है। ठीक है, मैं आपके डरा नहीं रहा हूं या कुछ आपको टेंशन नहीं दे रहा हूं। ठीक, आपको मैं मेंटली इस बात से प्रिपेयर रहने की बात कर रहा हूं। ठीक है, उस तरीके से आपको भी पढ़ाई करनी है। ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है कि इस बार स्टैंडर्ड तरीके से आपकी एग्जाम कंडक्ट हो सकती है। ठीक है, अभी लास्ट टाइम यशवंतराव मुक्त विद्यापीठ की तरफ से कुछ ऑनलाइन तरीके से एग्जाम कंडक्ट की थी। ठीक है, उसमें भी कुछ स्पेशल स्टैंडर्ड तरीके से एग्जाम कंडक्ट किए गए थे ऐसी बात बोली जा रही थी। ठीक है, तो उसी तरीके से आपके भी जो अभी रिसेंटली भी ऑनलाइन एग्जाम होने वाली है, ठीक है, तो उसका स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई रहने वाला है और कुछ उसमें भी स्ट्रिक्ट रहेगी कुछ बातें, मे बी पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं प्रोटेक्टिव मोड वहाँ पे ऑन रहे, पिछले जो बार एग्जाम हुए थे उससे थोड़ा सा और बेटर तरीके से एग्जाम कंडक्ट की जा सकती है। ठीक है, तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके काम की है। ठीक है, उसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो छोटी सी इंफॉर्मेशन है, आपको कुछ टेंशन लेना नहीं है, बस आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है और आपको पढ़ाई करना है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।